तो अपना नाम बताइए मुकेश जी। सर हमारा नाम मुकेश है। तो मुकेश जी आप पहले क्या करते थे? माय पास्ट टू ईयर एक्सपीरियंस इज ऑफ ए ड्राइवर। ड्राइवर मुकेश बहुत ऊंचे लेवल की जॉब्स हैं, समझ रहे हैं आप? ऊंचे सर, मुझे ऊंचे लेवल के जॉब्स नहीं चाहिए, आप मुझे ब्लो जॉब दीजिए। ब्लो जॉब? हाँ सर ब्लो जॉब, हमारे लिए वैसे भी कोई काम छोटो बड़ो नहीं है। अच्छा तो आप जो सामान आपकी कोई एक स्पेशलिटी बताइए। ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस सर एक्सप्लेन कीजिए। जब सेलेक्ट होने नहीं है तो काहे एक्सप्लेन करें। ठीक है ठीक है, कल फिर से आएंगे, ब्लो जॉब तैयार रखिएगा। दो चार ऐसे और छूतिया है शर्मा जी तो हमें नौकरी छोड़ देंगे। चलो अगला। हाँ तो माधव जी का नाम बताइए। माधव जी, माधव जी बोलिए सर। आपको पता है माधव जी आप इसलिए यहाँ पे आए हैं? हाँ हमने सुना था यहाँ जॉब मिल रही थी। जॉब के लिए आए हैं? अपनी हालत देखिए शर्मा जी, लड़के को देखिए, चमन प्रास खाया करिए माधव जी, उससे चुस्ती रहती है। कौन चुस्ती रहती है सर, अकेले हो रहे हैं ले रहे हैं। अरे तेरी माँ का चमन प्रास ले यार। अब जा इधर रहता है बड़ा कराए थे सर, मेरे पति ने मुझे प्रेग्नेंट करके ऐसे भेज के चला गया सर। आप गलत जगह आ गए, इंडियन आइडल का सेट बाजू में। सॉरी सर। अपना नाम बताइए अनिरुद्ध जी। सर मेरा नाम अनिरुद्ध है। क्या आप रिस्क ले सकते हैं? फिर से पानी की बोतल लेकर पानी पीकर बिना भरे फ्रिज में रख देता हूँ सर। वाह दैट्स जस्ट ट्रेमेंडस। शर्मा जी, अनिरुद्ध जी मैं आपसे एक बहुत कठिन सवाल पूछता हूँ। तीन लड़के हैं, तीनों ने एग्जाम दिया, तो जिसने लीस्ट स्कोर किया वो कैसे सिलेक्ट हो गया बता सकते हैं? कोटा, कोटा सिस्टम से सर। वाह